बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खून बेच कर रोटी ख़रीद लाया हूँ। फ़कीर शहर बता कि ये हलाल है या हराम है। 5 साल तक मुख्तलिफ दफातर के धक्के खाने वाला एक नौजवान वज़ीर आला सिंध के प्रोग्राम में जा पहुँचा, और दौरान प्रोग्राम जब शाह जी अपनी और अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ें कर रहे थे तो स्टेज पर चढ़ के उनसे नौकरी की भीख मांगने लगा। शाह जी ने भी उसकी सुनवाई करने के बजाय उसे झूठी तसल्लियों पर ही टरखा दिया और कहा कि ये उससे बाद में मिलेंगे। सारे मत खोड़ो साहब, बेटा भी मैं से आया हूँ, 5 साल से आपसे मिलना चाहता हूँ, 5 साल मैं मिल लूंगा बेटा, अभी मिल लूंगा, अभी मिल लूंगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा लेकर उठने वाली पीपल पार्टी दर हकीकत रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाली पार्टी है। तहरीक इंसाफ का नारा लेकर उठने वाली तहरीक इंसाफ दर हकीकत इंसाफ का गला घोंटने वाली तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग का नारा लगाने वाले हमेशा से ही दीन पर अमल करने वाले मुसलमानों के दुश्मन हैं, और सूद के खिलाफ तो स्टे भी इन्होंने ही ले रखा है। पाकिस्तान की बका इन सियासी जमातों के निज़ाम में नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत यानी खिलाफत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इन सियासी मदारियों के नरगों से निकाल कर खिलाफत इस्लामिया के क्याम के लिए अमली जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन।